अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी हूँ जी, मज़े में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का साथ है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कोई रेसिपी की नहीं है, एक छोटा सा रिव्यू है। मैंने कहा मैं मार्केट में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो मैं डेफिनेटली मैं उसको ट्राई ज़रूर करता हूँ, और मैंने कहा क्यों ना कि जो मैं ट्राई करूँगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ उसको। तो अभी बिल्कुल नया नया लॉन्च किया है कोका कोला कंपनी ने फ्यूज़ टी के नाम से, इट्स आइस टी जो अभी दो फ्लेवर्स में उन्होंने जो है लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है इसको, एक लेमन फ्लेवर में और एक पीच फ्लेवर में। फ्यूज़ टी जो है वो बेसिकली तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ये काफ़ी टाइम से, आई थिंक 2012 से ये चल रही है और बड़ी फेमस आइस टी है इन यूरोपियन कंट्रीज़, और कहीं कई कंट्रीज़ में अभी इन बैक इन जनवरी 2022 में डिसकॉन्टीन्यू भी इसको किया गया, और लोगों का एक बड़ा रिएक्शन भी आया कि जी इसको क्यों डिसकॉन्टीन्यू किया गया। लेकिन खैर फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया गया है कोका कोला कंपनी की तरफ से। तो लेट मी शो यू फ्यूज़ टी, ये है जी फ्यूज़ टी। ये दो फ्लेवर हैं, एक लेमन फ्लेवर में है हमारे पास और दूसरा आया है जी पीच फ्लेवर। तो ये आइस टी हैं जी बाय कोका कोला। फ्यूज़ टी इज़ देयर ब्रांड कोका कोला का, और ये काफ़ी टाइम से जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में है, लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये दो फ्लेवर्स अभी इसके लॉन्च किए हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं जी वाटर, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, सिट्रिक एसिड, ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स। तो जी आई एम नॉट अ लवर ऑफ आइस टी, लेकिन स्टिल मैंने कहा चलो अब ये मार्केट में नई नई चीज़ आई है तो इसको ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं। तो ये थे जी दो हमारे फ्लेवर, और अब मैं ज़रा कप्स ले लूँगा और कप्स में डाल के और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जी लेमन आइस टी जो है ये वाली, इसको हम ट्राई करेंगे। Let me open this. Yeah, damn. Yeah, get the lemon one. So, इसको try करते हैं. Nice, मजे किया यार. थोड़ी रिफ्रेशिंग है और थोड़ा सा ये इसमें ग्रीन टी वाला टेस्ट आ रहा है, लेकिन लेमन जीस्ट का जो वो फ्लेवर एक आता है हमारा लिप्टन का, उस तरह का ये कुछ फ्लेवर है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा है लेकिन रिफ्रेशिंग काफ़ी है ये, और नाइस है, मज़े किया। आई थिंक जो आइस टी लवर्स हैं उनके लिए बड़े मज़े की ये चीज़ है फ्यूज टी लेमन फ्लेवर, तो नाइस है ये। तो अब इसके बाद मैं जो आपके साथ दूसरा फ्लेवर अब हम खोलते हैं, इसको एक साइड पे रख देते हैं और अब मैं खोलने लगा हूँ जी आइस टी पीच। ठीक है, अब ये खोलते हैं जी, इसका कलर थोड़ा डार्क है पीच वाले का। ये लेमन था और ये आ गया जी पीच, तो लेट मी ट्राई पीच नाउ। पीच भी मजे का है, थोड़ा पीची फ्लेवर है, फ्रूटी फ्रूटी सा, लेकिन इसमें थोड़ा वो टी वाली कम आ रही है फ्लेवर्स। लेमन में बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं टी के, और बड़ा मतलब एक टी का आपको आता है फ्लेवर कि वाकई यार ये टी है, लेकिन इसमें पीच में आई थिंक थोड़ा सा ये जूसी जूसी सा है, थोड़ा मतलब आई डोंट थिंक सो कि टी लवर्स ये इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत लाइट भी है, बड़ा माइल्ड सा इसका फ्लेवर है, और कंपैरेटिवली जो है लेमन वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है और
पीच वाला थोड़ा माइल्ड है, तो आई थिंक मुझे जो पसंद आया है वो लेमन वाला है जी। लेमन वाला इज क्वाइट नाइस देन पीच वाला। तो मैंने कहा जी चलें आज ये नई चीज आई है तो लेट मी शेयर विद यू ऑल, और आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प होगी, और आइस टी लवर्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा हेल्प होगा कि जी कौन सा फ्लेवर लें। बहरहाल ट्राई जरूर दोनों फ्लेवर करें। आई डोंट नो आप लोगों को कौन सा फ्लेवर अच्छा लग जाए कौन सा नहीं अच्छा लगे, लेकिन आई विल गो विद लेमन, ठीक है ना। तो ये थी जी आज का छोटा सा एक फ्यूज टी बाय कोका कोला का रिव्यू। इट इज़ नॉट पेड, इट इज़ नॉट यू नो कोई वो पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं है, प्योरली मैं क्योंकि फूड लवर हूँ और फूड में ये चीज़ें भी आती हैं, तो मैंने कहा यार मैं ये ट्राई कर रहा हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये ट्राई करूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपके साथ ये फ्लेवर्स दोनों आइस टी के शेयर करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ PINDI_ KHAABAY खाबे, पिंडी खाबे। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब पे भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।